हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद दीतिमन। यूके पीएससी न्यू वैकेंसी 2023 ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया है। स्थायी नौकरी है, यानी यहाँ आपकी परमानेंट जॉब लगेगी। योग्यता 12th मांगी गई है। आर्ट्स और साइंस स्टूडेंट जिन्होंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से किया है तो वो यहाँ पर एलिजिबल हैं। सैलरी यहाँ पर 25,500 से 81,100 तक मिलने वाली है। आयु सीमा यहाँ पर क्या रखी गई है तो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 42 है। लास्ट डेट जो है वो एप्लीकेशन करने की 25 अगस्त है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि विज्ञापन जो है वो 5 अगस्त का है। तो चलिए फटाफट से जो है हम देख लेते हैं। अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वह हम चेक करेंगे कि यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, सैलरी वाकई में क्या है। यहाँ पर जो है प्रयोगशाला सहायक जो है इसके कुल जो है वो 107 पदों पर जो है वो वैकेंसी आई है। यहाँ पर आर्ट्स वाले भी एलिजिबल हैं, साइंस वाले भी एलिजिबल हैं। वेतन मान यहाँ पर जो है वो 25,500 से 81,100 यानी लेवल 4 के अकॉर्डिंग मिल रहा है। पद जो है वो बिल्कुल स्थायी है, परमानेंट सरकारी नौकरी है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो पेंशन योजना भी है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता यहाँ पर मांगी गई है कि आपने जो है 12th की हो, इंटरमीडिएट परीक्षा आपने या तो उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, ठीक है, इन दो राज्यों से आपने प्रयोगशाला से संबंधित जो विषय मैं आपको दिखाऊंगी उनसे की है, या फिर यहाँ पर लिखा है या फिर राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण, जो कि ब्रैकेट में लिखा है मान्यता प्राप्त परिषद यथा NIOS से उत्तीर्ण, अगर आपने समकक्ष जो है परीक्षा 12th की पास की है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। अधिमान्य अर्हता जो कि जरूरी नहीं है, अगर आपने नहीं कर रखा है तो कोई बात नहीं, और अगर आपने यहाँ पर स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि संबंधित प्रयोगशाला विषय इससे की है तो आप यहाँ पर जो है वो आप लोगों को जो है यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अगर आपने ये नहीं भी किया है तो यहाँ पर केवल 12th जो है जो कि अनिवार्य शैक्षिक अर्हता मांगी गई है। अभी आयु सीमा जो है यहाँ पर मैंने आपको बता दी है, 18 से 42 वर्ष तक जो है वो रहने वाली है। तो चलिए फटाफट से सब्जेक्ट हम देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट की आर्ट्स और साइंस में वैकेंसी कितनी है। प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान में यहाँ पर कितनी वैकेंसी है तो 18 है। यहाँ पर उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनकी 5 रिजर्व है। प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान में 18 पद हैं और 5 जो है वो महिलाओं की सीट रिजर्व है। जंतु विज्ञान इसमें 21 पद हैं जिसमें 6 रिजर्व हैं। प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान की है, यहाँ पर 21 कुल पद हैं। भूगोल के आर्ट्स की मैंने आपको बताया, आर्ट्स के स्टूडेंट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भूगोल और गृह विज्ञान और मनोविज्ञान, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर आप देख सकते हो शिक्षा शास्त्र, ठीक है। एक स्टूडेंट पूछ रहा था एजुकेशन से अगर कहीं पर वैकेंसी आती है तो आप बताइएगा, तो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल वैकेंसी है। उसके बाद जो है यहाँ पर भूगोल की जो है 18 वैकेंसी है, गृह विज्ञान की 2 है, आपको पता है मनोविज्ञान भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर 3 वैकेंसी है। मानव विज्ञान की यहाँ पर 1 है, गृह विज्ञान अगर आपने BSc से किया है तो यहाँ 2 है, प्रयोगशाला सहायक शिक्षा शास्त्र की 3 है। अधिकतम आयु सीमा में अगर छूट है यहाँ पर तो 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। यहाँ पर जो भी उत्तराखंड के SC ST या अन्य पिछड़ा वर्ग के जो स्टूडेंट रहेंगे, दिव्यांगजन जो अभ्यर्थी है यहाँ पर उत्तराखंड के, तो उनको आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट है। अभी जो है जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के स्टूडेंट, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए जो है यहाँ पर इसकी जो मेन वेबसाइट है इस पर आप लोगों को विजिट करना होगा। यहीं पर कंप्लीट नोटिफिकेशन है और जो है अच्छे तरीके से जो है हर चीज वहां पर और एप्लीकेशन करने का प्रोसेस भी है, ठीक है। ये प्रोसेस जो है वो यहाँ पर जो है वो अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, तो आप जो है वो अच्छे से एक एक जो है स्टेप जो है वो पढ़ेंगे, सभी स्टेप जो है यहाँ पर लिखे गए हैं लास्ट तक, ठीक है। तो ये पूरा जो आपको पढ़ना है क्योंकि 69 पेजों की PDF फाइल है, काफी लंबी है। यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो कैसा रहने वाला है, तो आपका जो है एक एग्जाम होगा यहाँ पर जिसका सिलेबस भी इसी PDF फाइल में आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है लिखित परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी यहाँ पर, और 300 अधिकतम अंकों का जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है जिसमें सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन जो है 100 प्रश्न होंगे 100 अंक के 2 घंटे का, और सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट से आप भरेंगे फॉर्म तो उस सब्जेक्ट की जानकारी आपके 200 प्रश्न होंगे 3 घंटे का, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वही स्टूडेंट जो है यहाँ पर जॉब पा सकता है जिसकी सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे से कमांड होने वाली है, ठीक है। सब्जेक्ट क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों की संख्या जो है वो 200 है, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी और कंप्लीट जो है यहाँ पर सिलेबस जो है वो अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो सिलेबस जो है मैंने देखा है इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है, ज्यादा हार्ड सिलेबस नहीं दिया है। बाकी आप अपने सब्जेक्ट का सिलेबस जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं, तो इसका जो लिंक है मैं आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।